सो हेलो गाइस, दिस इज प्रजापत और आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं यार किसके ऊपर, एप्टीट्यूड के बारे में। मेरे पास अभी लास्ट वीडियो के अंदर एक कमेंट आया था कि भैया एप्टीट्यूड के अंदर जो यार पार्ट, जैसा आपने पिछली वीडियो के अंदर बोला था कि एप्टीट्यूड पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसको हम लास्ट के 10 से 15 दिन के अंदर पढ़कर भी 150 प्लस लेकर आ सकते हैं आउट ऑफ 200, पर लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो हम पूरा 200 में से 200 की बात करेंगे कि हम फुल में से फुल मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसके ऊपर बाद में स्टडी मटेरियल डिटेल वीडियो और लेकर आएंगे, अभी के ऊपर एक मोटा मोटा बात कर लेते हैं कि अभी हमको कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी बुक्स हमको पढ़ना है और हमको कितना टाइम में क्या क्या कवर करना है, उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। और आज के अंदर थोड़ा सा मोटा मोटा आपको आइडिया दूंगा कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो और कितने घंटे हमको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, बिल्कुल छोटी वीडियो के अंदर पूरी एक एप्टीट्यूड की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं कुछ टॉपिक्स है जेई बी आर को नाटा दोनों के बारे में बात करें इस वीडियो के अंदर, हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया। पहले जेई वाले टॉपिक समझ लेते हैं। देखो जेई वाला एप्टीट्यूड और नाटा का एप्टीट्यूड मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी दोनों की एप्टीट्यूड के कंपैरिजन के ऊपर, उस वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है। उसके अंदर मैंने कंपैरिजन किया था कि नाटा और जेई का जो एप्टीट्यूड सेक्शन है उसमें से कौन सा एप्टीट्यूड सेक्शन ईजी होता है और कौन सा हार्ड होता है। उसके अंदर मैंने मोटा मोटा एक आइडिया बताया था कि जेई का एप्टीट्यूड सेक्शन जो होता है वो ईजी होता है एज कम्पेयर टू नाटा का एप्टीट्यूड सेक्शन, क्योंकि जेई का एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर टॉपिक्स कम है, इसमें टॉपिक्स ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि जेई का एप्टीट्यूड सेक्शन जो है उसका वेटेज 50% है पूरे एग्जाम्स का, 400 मार्क्स का एग्जाम होता है उसके अंदर 200 मार्क्स का वेटेज ओनली एप्टीट्यूड लेकर चलता है, तो बहुत इजी होता है स्कोर करना, ठीक है। तो हमको टारगेट रखना पड़ेगा अभी से कि हमको फुल में से फुल स्कोर करना है, उसके लिए हमको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स की। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है विजुअलाइजिंग 3D फ्रॉम 2D। सबसे मेन चीज क्या होती है, अगर मैं बात करता हूँ एप्टीट्यूड की, वहां पर आपके दिमाग में पहला वर्ड आ जाता है कौन सा, विजुअलाइजेशन। सोचना पड़ेगा हमको, विजुलाइज करना पड़ेगा चीजों को, हर चीज हम बना नहीं सकते। कोई 2D हमको सामने दे रखा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, अब जरूरी नहीं है कि उसका 3D में वहां बनाऊं, बनाने से मतलब भी नहीं है ना, मेरे को सोचना होगा, सोच के डायरेक्ट आंसर लिखना होगा। एप्टीट्यूड क्वेश्चन के अंदर कभी सॉल्यूशन नहीं किए जाते, एप्टीट्यूड क्वेश्चन के अंदर बस सिंपल क्वेश्चन को देखना होता है, समझना होता है, सोचना होता है, विजुलाइज करना होता है फिगर को, उस 2D को 3D में विजुलाइज करना होता है, बस आंसर निकालना होता है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती, कोई पेन नहीं चलाना होता, बिना पेन की काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विजुलाइजिंग डिफरेंट साइड्स ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स। मेरे पास लेट से कोई 3D ऑब्जेक्ट्स है, लेट से मेरे पास कोई फोन है, जैसे बात करता हूं मैं, लेट से मेरे पास ये कोई पेंसिल का डब्बा है, ठीक है। अभी पेंसिल का डब्बा मेरा इसके अंदर आपको ऐसा कुछ बता रखा है, ठीक है, फोटो के अंदर इससे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यहां से आप देख रहे हो उसको, आपको ओनली बस ये लाइन दिख रही है, पर आपको बोला है कि ये क्या एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक क्यूबॉइडल टाइप बॉक्स है, तो आपको इसको 3D में विजुलाइज करना पड़ेगा कि इसके अलग अलग साइड्स कैसी होगी, कितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी इसको, वो सब चीज बस हमारी है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास काउंटिंग शेप्स। हमारे पास जैसे बात करते हैं एक क्वेश्चन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सर आपको जैसे एक ट्रायंगल दे दिया, उस ट्रायंगल के अंदर से उस ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे और ट्रायंगल्स आपको काट रखे, एक ट्रायंगल के अंदर से छोटे छोटे बहुत सारे ट्रायंगल्स है उसके अंदर, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स उसके अंदर कितने होंगे बता दो, ठीक है। सिमिलर शेप के ट्रायंगल्स कितने होंगे, या फिर लेट्स से कोई स्क्वायर है, उस स्क्वायर के अंदर से उसको काट के बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर बना रखे, तो कुल मिलाकर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट कर दो। ऐसे वाले के ऊपर मैंने पहले डिटेल वीडियो बना रखी थी, नो टेंशन, अभी आगे आने वीडियोस के अंदर फिर से अपन डिटेल में बात करेंगे कि डिफरेंट शेप्स के ऊपर हम कैसे उसको काउंट करते हैं, क्लियर बात है। नेक्स्ट चलते हमारे पास यार फोल्डिंग टाइप क्वेश्चन। मैंने बोला कि ये मेरे पास बॉक्स है, ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि मैंने इस बॉक्स को पूरा खोल दिया, पूरा ओपन कर दिया, मैंने क्या करा यहां से इसको काटा, इसको फोल्ड किया, इस वाली नीचे वाली सर्फेस को फोल्ड किया, इस वाली को यहां फोल्ड किया, इसको यहां फोल्ड किया, तो फोल्ड करने के बाद ये आपको कैसा दिख रहा है, और अगर कोई आपको ऐसा फोल्ड फिगर दे दे तो वो फोल्ड करने के बाद कैसा दिखेगा, या फोल्डेड फिगर अनफोल्डेड फिगर करने के बाद कैसा दिखेगा, ये चीज। तो यहाँ खेल किसका है, विजुलाइज करने का खेल है, इसको हम बना तो नहीं सकते, बना के करेंगे भी क्या, हमको विजुलाइज करना है, विजुलाइज किया आंसर निकला, टिक मार्क लगा दिया, आगे बढ़ गए, ठीक है। तो ये टाइम बचाने के तरीके होंगे, विजुलाइजेशन एक ही चीज से आता है, किसको, प्रैक्टिस से, बिना प्रैक्टिस के विजुलाइजेशन नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास हिडन फिगर्स। लेट्स से मैंने कोई बात की कि ऐसे मेरे पास बहुत सारे डब्बे हैं, एक डब्बा दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस है, उस बहुत सारे डब्बों के अंदर कोई ऐसा छोटा सा एक अलग शेप का मैंने फिगर छुपा रखा है जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, एक पिक्चर उसके अंदर बोल रखा होगा कि आपको ये वाला फिगर कहाँ हिडन, कहाँ छिपा हुआ है, ठीक है। तो वो अलग सा फिगर कौन सा आपको दिख रहा है छिपा हुआ, इसको बोलते हैं हिडन फिगर वाले क्वेश्चन, तो वो आपको देखने की होना चाहिए, मतलब कि जल्दी हम देख के उसका आंसर निकाल सके। ये सब चीजें हार्ड कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बस एक चीज का खेल है, किसका, विजुलाइजेशन करने का, सोचना पड़ेगा हमको, सोचने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो कुछ टॉपिक्स है किसके, यहाँ पर जो हमारे पास होते हैं पूरा 140 मार्क्स का वेटेज लेकर चलते, ध्यान रखना। अब आप सोच कर देखो करना क्या है यहाँ पर, विजुलाइजेशन का खेल है बस, कितना मार्क्स है 140 मार्क्स, हर कोई बंदा 90% बात करूँ ना, मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स इस 140 में से 140 स्कोर कर लेते हैं, कर लेते हैं। अब ध्यान रखना
यहाँ पर जो नेक्स्ट जो टॉपिक कहते हैं वो होते हैं कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स। थ्योरेटिकल मतलब क्या होते हैं, जिसके आंसर वन वर्ड होते हैं, जिसको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो आगे बढ़ जाओ, इसके अंदर कोई विजुअलाइजेशन का खेल नहीं है। इसके अंदर तो हमने पहले जितना याद किया होगा उतना हम एग्जाम में कर लेंगे। कौन सा टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की जितना भी इतिहास है, जितनी भी हिस्ट्री है, वो सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन बीएमसी, इससे वाले क्वेश्चन आते हैं। बिल्डिंग जितने मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सब पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है जनरल नॉलेज, जो भी करंट अफेयर्स, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर जेई और नाटक के अंदर करंट अफेयर्स भी पूछा जा सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई कितना ही भरोसा नहीं कितने क्वेश्चन पूछे जा सके, पर लेकिन आ सकते हैं क्वेश्चन। तो हमको करंट अफेयर जनरल नॉलेज से अपडेट रहना होगा, इस सभी के ऊपर वीडियोस आपके पास आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो तीन टॉपिक है, ये तीन टॉपिक थ्योरेटिकल जो टॉपिक है, ये 60 मार्क्स का वेटेज लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट मार्क्स खा जाते हैं, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन क्वेश्चन वाले तो इजी थे, ये तो विजुअलाइज करके कर लेते हैं बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स, 140 में से 130, 135, 140 भी कर लेते हैं पूरा। पर लेकिन ये जो 60 मार्क्स है, इस 60 के अंदर से 20-30 स्कोर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये चीज याद नहीं रहती ना। टॉपिक्स बहुत सारे हिस्ट्री के अंदर, बीएमसी के अंदर टॉपिक बहुत सारे हैं। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जो लास्ट जो ईयर था उसके अंदर मैंने बहुत सारे यहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए थे, और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर भी आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, नो टेंशन। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कौन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। पर लेकिन हमको ध्यान रखना होगा कि अभी से इन चीज़ों को पढ़ना होगा, इसको भले ही हम बाद में कर सकते हैं, पर लेकिन बाद में का मतलब है कि बाद में तो करोगे आप, पर लेकिन वो फुल में से फुल स्कोर नहीं होगा। हमको अगर 140 out of 160 ये स्कोर करना हो, टोटल मिलाकर 200 मार्क्स पूरे में से पूरे चाहिए, अभी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी। कौन सी बुक्स रिक्वायरमेंट है अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो बात किसकी भी जाएगी। अब चलते कहां पर, हम नाटा के ऊपर। अब ध्यान देना कि नाटा का जो एप्टीट्यूड है, वो नाटा बेसिकली अपने आप में क्या, एप्टीट्यूड टेस्ट है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, अपने आप में पूरा एप्टीट्यूड टेस्ट है। यहां पर कोई स्पेशल कुछ नहीं होता, मतलब कि है कि एप्टीट्यूड जो टेस्ट है यहां पर, अब जो एप्टीट्यूड के अंदर यहां नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा है, दिखती सी बात है। अगर एक एप्टीट्यूड का एग्जाम हो रहा है, ओनली 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, जो वाला ये वाला होता है 200 पेपर का, ये वाला होता है 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत सारे हैं, अब यहां पर जो टॉपिक्स है वो ध्यान रखना। सबसे पहली बात कि इस जो जेई के टॉपिक्स है वो सब तो यहाँ पर एज इट इज है, इन वाले टॉपिक्स तो एज इट इज आपको करने ही है नाटक के लिए। उसके बाद एक्स्ट्रा बात करूं, ये तो पूरा है। उसके बाद इसके अंदर एडिशन में कौन सा आते हैं, ये जैसे फॉर एग्जांपल पजल और रिडल्स, आपने देखा होगा सुबह सुबह जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर के अंदर एक सेक्शन आता है गेम्स का, पजल्स का ना, पजल्स का। उसके अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं कि इसको यहाँ तक जाना है तो बताओ उसका रास्ता क्या होगा, या फिर वो सुडोकू नाम का एक गेम आता है, ऐसे करके बहुत सारी पजल्स आते हैं। वो बताओ कि इस दो इमेज के बीच में डिफरेंस कितना है वो बता दो आपको, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंसेस कितने हैं, या फिर ये वाली इमेज इससे कैसे डिफरेंट है, ऐसा कुछ करके। तो पजल्स रिलेटेड टाइप क्वेश्चन, आईक्यू लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पूछो नाटा अभी लास्ट ईयर से, क्योंकि पैटर्न पूरा चेंज हो गया था, काम ऑनलाइन आ गया था, ये सब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो ये एक्स्ट्रा कर सकते हो, ज्यादा हार्ड नहीं है इसमें, कुछ हार्ड नहीं है, कुछ भी यार नहीं, विजुअलाइजेशन खेल है यहाँ भी। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 11वीं और 12वीं के अंदर हम क्या करते हैं, इंग्लिश का पेपर आता है, तो इंग्लिश के पेपर के अंदर हमको क्या मिलता है देखने को, पैसेज लिखे हुए हैं, कंप्रेंशन लिखे हुए हैं, सेंटेंस वाले क्वेश्चन हैं, कुछ टेंसेज वाले क्वेश्चन होते हैं, ये सब क्वेश्चन इंग्लिश वाले यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा खासा वेटेज है, 200 मार्क्स के अंदर से 200 में से 20 to 30 मार्क्स का वेटेज ओनली इंग्लिश लेकर चलता है। सोचो इंग्लिश को अगर आप अच्छे से कर ले तो 20-30 मार्क्स आपके हाथ में। नेक्स्ट बात करते हैं कलर थ्योरी और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, ये दोनों ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर पूरा पूरा लेक्चर आपको मैं दे दूंगा, लास्ट ईयर भी मैंने दिया था। कलर थ्योरी क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन कितने टाइप्स के होते हैं और इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको आगे आने वीडियोस के अंदर मिलेगा। पर आपको जब मैं बुक का नाम बता रहा हूँ उसके अंदर भी आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक पूरी बात क्लियर, तो ये आपको नाटा का एप्टीट्यूड टाइप कुछ हो गया। अब बात करता हूँ किसकी बुक्स की, तो बुक्स फॉर जेई एंड नाटा कौन कौन सी बुक्स है। वैसे यार सबसे पहले बता दूं आपको कि मैंने बुक्स के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बना रखी है, उसके मैंने आपको बता रखा है कि हमको किस टाइम कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी बुक्स हमको ओरल पढ़नी है, उस वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है, जरूर उसको जाकर चेक करना, ठीक है। अगर अभी मैं बात करता हूँ मोटा मोटा, तो जेई के अंदर मैं ऑलरेडी पहले बोलता हूँ हमेशा कि एक बुक आती है सेल्फ गाइड फॉर बी आर्क बाय अरिहंत पब्लिकेशन, इस वाली बुक को परचेस कर लो, ठीक है, जेई बी आर्क के लिए। यहाँ पर आपका पूरा काम हो जाएगा, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली मैथ्स भी आपको कवर हो जाएगी और एप्टीट्यूड सेक्शन तो पूरा कवर हो जाएगा उस वाली बुक के अंदर, उस वाली बुक के बाद जाने की जरूरत नहीं है एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर, ठीक है, और ड्राइंग भी वहाँ पर कवर हो जाती है, ये चीज क्लियर है। नाटक की अगर बात करूँ तो नाटक के अंदर यार बहुत सारी बुक्स आती है, नाटक के अंदर जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है इसके हिसाब से एक भी बुक नहीं है जहाँ पर आपको सब टॉपिक मिल जाए, ऐसी कोई बुक अभी तक तो नहीं छपी है। पर लेकिन हमको एक या दो बुक परचेस कर लेनी है ताकि हमारा कुछ तो काम हो जाए वहाँ से, ठीक है। तो जैसे बात करो तो वसीम खान नाम की बुक आती है वो आप परचेस कर सकते हो, एक निमिष मदान नाम की बुक आती है वो आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यार, अब यहाँ तक तो पूरी बात क्लियर है कि आपको समझ में आ गया मोटा मोटा कि भाई हमको क्या पढ़ना है और क्या करना है और कितने मार्क्स का कौन वेटेज लेकर चल रहा है। अब जो बताता हूँ आपको सुनो, ये जो दिसंबर चल रहा है इसके अंदर से बहुत सारे ऐसे होंगे जो आप में से सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे या फिर आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे टर्म वन के, जो कि सीबीएसई के अंदर होता है। अगर ये बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो आप अभी कुछ नहीं कर सकते हो, जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म होता है, या फिर जिसके बोर्ड एग्जाम नहीं चल रहे हैं उनको आज से अभी से क्या करना होगा, दिसंबर
31 ऑफ दिसंबर तक आपको ये सब सिलेबस कवर करना है। मेनली अगर बात करूँ तो जेई वाला जो सिलेबस है ये तो कवर कर ही दो, नाटा का सिलेबस कवर करने में टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ टॉपिक्स ज़्यादा है, यहाँ पर तो इसको तो कर ही दो, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। इसको पूरा भी नहीं कर पाओ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार तो कर ही लो, ये 140 मार्क्स तो हमारे पक्के हो जाने चाहिए हर एक स्टूडेंट्स के टिल दिसंबर के अंदर अंदर 31 के अंदर अंदर ये सब मार्क्स मुझे कवर चाहिए, ये सब कवर होने चाहिए 140 मार्क्स, ठीक है। और 60 के अंदर से बात करूँ तो 60 के अंदर से कुछ हिस्ट्री और बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के कुछ कुछ क्वेश्चन देख सकते हो। 60 के अंदर से 20 अगर आप 10 मार्क्स का भी अभी कर लेते हो दिसंबर में तो 140 प्लस 10 कितना 150 मार्क्स, यानी कि 400 में से पूरे ओवरऑल पेपर के अंदर से 150 अभी से कवर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम जनवरी और फेब के अंदर जेई में इसका फर्स्ट सेशन होने वाला है, पूरी प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। और नाटा का जो फर्स्ट एग्जाम होता है वो अप्रॉक्सीमेटली मार्च या अप्रैल में होता है तो उसके लिए टाइम है, पर लेकिन हमको इसके लिए भी साथ साथ में भी चलना होगा। और अगर जैन से फरवरी में बात करूँ तो जनवरी और फरवरी के अंदर हमको पूरा फोकस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पीवाईक्यूज प्लस एसपी मतलब होता है सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस सैंपल पेपर, ये दो के ऊपर हमको फोकस करना होगा। और साथ ही साथ के अंदर जिसका कोर्स पूरा नहीं होगा उसको कोर्स के ऊपर भी फोकस करना होगा। वैसे जनरली बात स्टूडेंट्स की अगर रिवीजन भी करना होता है तो यहाँ पर रिवीजन भी पूरा चलेगा, तो रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, उसके बाद सैंपल पेपर कुछ आपको प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं यार ये कुछ बात हुई, अब बात करते हैं कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो। जनरली स्टूडेंट्स क्या होता है कोई बोलता है कि भैया मेरी नींद पूरी नहीं होती, मेरे को 8 घंटे सोना है, मेरे को 10 घंटे सोना है। अगर आप 8 घंटे सो रहे हो पूरे दिन का, इसका मतलब ध्यान रखना आपकी पूरी जिंदगी का एक तिहाई पार्ट, 8 घंटे मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आप 8 घंटे दे रहे हो मतलब दिन का एक तिहाई पार्ट, 1/3 पार्ट आप सोने को दे रहे हो, मतलब पूरी जिंदगी का 1/3 पार्ट हम सोने में निकाल रहे हैं जो कि बहुत बड़ी बात है। देखो अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो जनरली 6 या 7 घंटे की नींद जनरली सबको रिक्वायरमेंट होती है। आप 6 घंटे सो जाओ, 7 घंटे सो जाओ, 8 घंटे सो रहे हो तो थोड़ा सा अवॉइड करो, और एग्जाम पास में आ रहे हैं तो आपको थोड़ी कम करनी ही पड़ेगी, ठीक है। 7 घंटे तक मिनिमम लेकर आ जाओ उसको, मिनिमम हो सके तो 6 घंटे तक खींच के लेकर आ जाओ, ठीक है। 6 घंटे से कम मत करना, 6 तो थोड़ा सो जाओ आराम से, मिनिमम 6 घंटे सो जाओ, ठीक है। यहाँ बात करते हैं इसके अंदर से अगर आप जितना भी सो रहे हो उसके अंदर से 8 से 10 घंटे यार पढ़ाई को देना ही होगा आपको। अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो नहीं होगा जो हमको चाहिए, जो हमको चाहिए वो नहीं मिलेगा। भले ही आपको ये लग रहा हो कि मैं 3 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूँ, पर एक्चुअली के अंदर आप वो सिलेबस जो जिस तरह से करना चाहिए उसको नहीं करोगे, क्योंकि सिलेबस कवर करने में एक्चुअली में टाइम लगेगा, क्योंकि मैथ्स ऐसा सेक्शन है जो कि टाइम लेता है दिन का 4 घंटे आपको मैथमेटिक्स को देना पड़ेगा, 4 से प्लस घंटे, 2 घंटे आपको एप्टीट्यूड को देना पड़ेगा, इस थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन को रटना पड़ेगा, इसको गोल कर पीना पड़ेगा, ये टाइम मांगेगा। ड्रॉइंग के अंदर आपको 1 से 2 घंटे देना पड़ेगा, रोज की 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब हमको वहाँ पर 99% स्कोर कर पाएंगे। 2 घंटे की बात करूँ तो 2 घंटे एप्टीट्यूड को दे दो यार, 4 से प्लस घंटे आप मैथमेटिक्स को दे दो, और बाकी बचे 2 घंटे आप किसको दोगे, ड्रॉइंग सेशन को दोगे। ये बात करो मिनिमम 8 घंटे, अगर आप मिनिमम 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो तो आपके पास 4 घंटे और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, समझ आ रही है। ये चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, बस ये चीज़ है कि बस प्रैक्टिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्ट, जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे यार ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके रिजल्ट के ऊपर। और उम्मीद करता हूँ चीज़ें पूरी कहानी पिक्चर आपके सामने क्लियर है, बस ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 99% का क्राइटेरिया स्ट्रेटजी में क्या है, होता यही है बस कि प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट होगी, कंसिस्टेंसी आपकी चाहिए होगी, एक मिनिमम कंसिस्टेंसी बनाकर काम करना होगा। रोज के अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे आपको उस फोकस के साथ पढ़ना होगा, ताकि वो 4 घंटे हमको 8 घंटे का रिजल्ट लेकर आके दे। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, चैनल के ऊपर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और रेड कलर के बटन को दबाने में आपका एक छोटा सा एफर्ट होता है, बस मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है वो, ठीक है। तो उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी हम लोग जो भी नोट्स यहाँ शेयर होंगे वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी हो जाएंगे, तो वहाँ भी आप जरूर से ज्वाइन करें, सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ऑल द बेस्ट, जाओ जाकर लगाओ तो पूरा जोर लगाओ और पूरा फाड़ के रख देना, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, जितना टाइम है हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, इस टाइम के अंदर हमको करना है और हम करेंगे। यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। जय हिंद, वंदे मातरम।